टुंडों का एक समूह है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में इसके उदाहरण हम लोग हर रोज देखते रहते हैं। भारतीय गणराज्य से ज्यादातर पुलिस ऐसे ही हैं जो बड़े पूंजीपतियों की सेवा कर रहे हैं। भारत के कानून को अगर किसी से खतरा है तो वह पुलिस ही है। तमिलनाडु के तोतीकोरिन में वेदांता सैटेलाइट के प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को तमिलनाडु की पुलिस ने गोलियों से भून दिया है। यह नागरिक सैटेलाइट कंपनी द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण का विरोध कर रहे हैं। अब जल्द ही मोदी सरकार विरोध प्रदर्शन को गैरकानूनी घोषित करने वाली है। इसे ही सरकारी आतंकवाद कहते हैं और पुलिस को सरकारी आतंकवादी। सैटेलाइट कंपनी का मालिक अनिल अग्रवाल है। इसकी मूल कंपनी वेदांता है। अनिल अग्रवाल ब्रिटिश नागरिक है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से करीब 600 किलोमीटर दूर तोतीकोरिन में वेदांता की सैटेलाइट कंपनी है। ये कंपनी यहाँ कॉपर गलाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट चाहती है। यह प्लांट हर साल 4,38,000 टन कॉपर पैदा करती है। प्रतिदिन के हिसाब से इसकी 12 टन कॉपर की पैदा करने की क्षमता है। इस प्लांट के आसपास 10 किलोमीटर के क्षेत्र में करीब 4,60,000 लोग, 8 कस्बे और 27 गांव हैं। विकास के नाम पर यहां रहने वाले 4,60,000 लोगों के फेफड़े में लगातार जहर भरा जा रहा था। प्लांट की वजह से वायु प्रदूषण फैल चुका है। लोग कई तरह की बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। नेता और पुलिस अधिकारी इस कंपनी से बड़ी रिश्वतें लेते हैं। ये सारा खेल जनता को विकास का चरस सुंघाकर खेला जाता है। पहले से ही वायु प्रदूषण की मार झेल रहे स्थानीय लोगों को जब पता चला कि सैटेलाइट एक और प्लांट लगाने जा रही है तो वो डर गए। लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया। क्या आपको पता है आम जनता का यह प्रदर्शन पिछले 100 दिनों से चल रहा है? क्या किसी टीवी चैनल आपके इसके बारे में सुना देखा? क्या कोई एंकर इस पर बात करते हुए दिखा? 12 फरवरी को प्रदर्शनकारी तोतीकोरिन पहुंचे। 24 मार्च को करीब 2,00,000 लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। 2,00,000 लोग, क्या अपने इन 2,00,000 लोगों की आवाज अपने टीवी पर सुनी? अगर नहीं सुनी, मरने के लिए तैयार रहिए। आप भी मर जाएंगे और कोई आपकी आवाज नहीं सुनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज़।